26 फरवरी 2023 दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम के रिगार्डिंग 8 घंटे की मैराथन क्वेश्चनिंग के बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई ने दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट कर लिया और इसके बाद देश भर में खूब पॉलिटिक्स चली, बयानबाजी हुई और एक दूसरे के ऊपर खूब कीचड़ उछाला गया। जहाँ एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस ने सीबीआई के इस स्टेप को वेलकम किया, वहीं तमाम सारे दूसरे ऑपोजिशन पार्टीज जैसे टीएमसी, शिवसेना, सीपीएम, भारत राष्ट्र समिति, जनता दल यूनाइटेड, झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे कई सारी पार्टीज ने इस स्टेप को कंडेम भी किया है। इसके बाद जब मनीष सिसोदिया जी ने अपने अरेस्ट को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की तो 28 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के डिप्टी सीएम होने के साथ साथ फाइनेंस, एजुकेशन, टूरिज्म और पीडब्ल्यूडी जैसे 18 डिपार्टमेंट हैंडल कर रहे थे और उन्होंने अब अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। तो सवाल ये आता है कि आखिर गड़बड़ है क्या और इतना हल्ला किस चीज को लेकर हो रहा है? ये ओल्ड वर्सेस न्यू लिकर पॉलिसी क्या है और ये आम आदमी पार्टी अब तक के सफर में इतना आयरोनिक क्यों होती जा रही है? और यही सब समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ ये वीडियो। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और नीचे लाइक बटन को अभी के अभी प्रेस कर दो। सिसोदिया को सीबीआई ने शाम 7 बजे गिरफ्तार कर लिया। अब मनीष सिसोदिया का बचना काफी मुश्किल है। एक शरीफ आदमी है, तिहाड़ जेल में सिसोदिया की नींद उड़ा दी। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो अच्छा काम हो रहा है वो अच्छे काम को रोका जाए। इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि देश के अंदर लिकर बिजनेस मॉडल कैसे फंक्शन करता है और गवर्नमेंट्स क्यों इसे इतना ज्यादा पुश करती हैं। इनफैक्ट अगर आपको याद हो, कोविड लॉकडाउन के दौरान भी जब सब कुछ बंद था तब भी शराब के ठेके खोले जा रहे थे। करेंटली पूरी दुनिया भर में भारत इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एल्कोहलिक बेवरेज मार्केट और इसका एस्टिमेटेड मार्केट साइज $52 बिलियन का है। यानी कि लिकर सेलर्स के पास तो भैया पैसा ही पैसा होगा। और देश में बढ़ता अर्बनाइजेशन, लोगों की बढ़ती इनकम, वाइडर अवेलेबिलिटी और चेंजिंग सोशल नॉर्म्स इसके कुछ की रीजंस माने जा सकते हैं। और दारू का ये पूरा सिस्टम जीएसटी से भी बाहर है, इसीलिए स्टेट्स इस पर खूब टैक्स वसूलते हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला, इन 5 स्टेट्स का टोटल रेवेन्यू में से 10-15% दारू की सेल से आता है और ये 5 स्टेट्स अकेले पूरे भारत में अल्कोहल कंजम्पशन का लगभग 45% शेयर होल्ड करते हैं। वहीं यूपी और एमपी अपने टोटल रेवेन्यू का लगभग 20% लिकर बिजनेस से जनरेट करते हैं। अकेले दिल्ली की बात करें तो पूरे देश का लगभग 4% लिकर कंजम्पशन सिर्फ दिल्ली में होता है और सिर्फ दिसंबर 2022 में एक महीने के अंदर 13 लाख बॉटल की सेल हुई थी, जिससे 500 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ था। तो इससे क्लियर हो जाता है कि भैया स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए लिकर मार्केट इतना ज्यादा मैटर क्यों करता है और कहीं ना कहीं इसी मैसिव रेवेन्यू जनरेशन एबिलिटी के चलते जरूरत होती है कि एक प्रॉपर लिकर पॉलिसी हो जिसके जरिए कोई भी स्टेट गवर्नमेंट लिकर के बिजनेस में गवर्नेंस, प्राइसिंग मॉडल, सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रजिस्ट्रेशन और इसका रिटेल, इन सारी चीजों को अच्छे से फंक्शन कर सके और इसके साथ साथ कंज्यूमर को इसका फायदा मिले और उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस भी इम्प्रूव किया जा सके। और दिल्ली के अंदर एग्जैक्टली इसी पॉलिसी में स्कैम के एलिगेशंस लग रहे हैं। तो दिल्ली में अगर आप देखें, ओल्ड लिकर पॉलिसी के अंडर लिकर बेचने का ज्यादातर काम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जैसे DSIIDC, DTIDC, DCCWS, DSCSC इनके हाथ में था और टोटल 864 लिकर शॉप्स में से 475 गवर्नमेंट रन थी और बाकी 389 प्राइवेट थी। लेकिन इस ओल्ड पॉलिसी में कुछ बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो चुकी थी। सेलर्स को हर बॉटल पर 25% वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स देना होता था और इसी टैक्स को बचाने के लिए लिकर की ब्लैक मार्केटिंग काफी ज्यादा होती थी। इसका दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि भैया दारू बेचना सरकार का काम थोड़ी है, अब यही काम रह गया है क्या? तो ये डिसीजन लिया जाता है कि भाई इस पूरे सिस्टम को क्यों ना रेवोल्यूशनाइज किया जाए। आम आदमी पार्टी जिसकी एक मेन थीम है एंटी करप्शन की,
इन्होंने जनता से प्रॉमिस किया कि हमारी नई लिकर पॉलिसी आने से ना सिर्फ सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा बल्कि लिकर की ब्लैक मार्केटिंग भी रोकी जा सकेगी, जिससे लिकर माफिया कमजोर होंगे। और इस तरह से आ गई न्यू लिकर पॉलिसी। अब जरा इसके टाइमलाइन को थोड़ा ठीक से समझते हैं। सितंबर 2020, उस समय एक्साइज कमिश्नर के अंदर एक एक्सपर्ट्स की टीम बनाई जाती है जो इस नए लिकर पॉलिसी को पिच करती है। अक्टूबर 2020, एक्सपर्ट कमेटी पब्लिक डोमेन से कमेंट्स और सजेशन लेने के बाद एक फाइनल रिपोर्ट पब्लिश करती है। फरवरी 2021, इस रिपोर्ट को दिल्ली कैबिनेट के सामने रखा जाता है और 5 फरवरी 2021 को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी के अंडर रेवेन्यू मिनिस्टर कैलाश गहलोत और हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन के साथ एक पूरी टीम बनाई जाती है, जिसका काम था कि इस पॉलिसी के हर एक पहलू की जांच करें। मार्च 2021 को दिल्ली कैबिनेट इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के द्वारा प्रपोज की गई रिपोर्ट को फाइनली एक्सेप्ट करती है और 15 अप्रैल 2021 को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बजाज जी को ये रिपोर्ट फॉरवर्ड की जाती है। और इस रिपोर्ट के अंदर एलजी 6 ऑब्जर्वेशन को पॉइंट आउट करते हैं और वापस इस रिपोर्ट को री एग्जामिनेशन और मॉडिफिकेशन के लिए भेजते हैं। इसके बाद मई और जून में कुछ और कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं और फाइनली 17 नवंबर 2021 को ये न्यू लिकर पॉलिसी दिल्ली में इंप्लीमेंट की जाती है। अब जरा ये समझते हैं कि इस नई वाली पॉलिसी में ऐसा क्या था जो मनीष सिसोदिया जी ने सीधे सीधे कह दिया कि भैया इस नए एक्साइज पॉलिसी से 3,500 करोड़ के एडिशनल रेवेन्यू को जनरेट किया जा सकेगा। इस नई वाली पॉलिसी के कुछ की फीचर्स थे। पहला फीचर था कि जहां पहले लिकर कंजम्पशन के लिए लीगल एज 25 होती थी, इस पॉलिसी ने इसे रिड्यूस करके 21 कर दिया। अब इससे जाहिर सी बात है कि एडल्ट जो लिकर कंज्यूम कर सकते हैं उनका नंबर बढ़ गया। दूसरा था लाइसेंस फीस। पहले जहां लाइसेंस फीस 8 से 10 लाख रुपए थी, इस नई पॉलिसी ने उसे इंक्रीज करके 6.5 से 7 करोड़ तक कर दिया और इससे गवर्नमेंट को सीधे सीधे अब एक बड़ा अमाउंट ऑफ रेवेन्यू मिल सकता था। तीसरा था कि लिकर शॉप लाइसेंस लेने के लिए इस नई पॉलिसी में एक ओपन बिडिंग का सिस्टम लाया गया। इससे जो इन्वेस्टर्स के बीच में लाइसेंस लेने के लिए कंपटीशन चलेगा, जिससे कि बेस प्राइस से काफी ज्यादा रेट पर वो लाइसेंसेस बेचे जा सकेंगे। चौथा था जोनल डिवीजन को लेकर। पहले जहां एक एरिया में 5 लिकर शॉप होती थी, दूसरे में 15 है और तीसरे में 1 या 2, तो यहां नई वाली पॉलिसी में दिल्ली को 32 अलग अलग जोन में डिवाइड किया गया और ये कहा गया कि हर एक जोन में 27 लिकर शॉप्स खोले जाएंगे, जिससे लिकर शॉप्स का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो सकेगा पूरी दिल्ली के अंदर। पांचवा था कि कंज्यूमर्स का एक्सपीरियंस भी अच्छा हो। इसके लिए कहा गया कि ठेकों में वॉक इन फैसिलिटी हो, एयर कंडीशनिंग हो, अच्छी लाइट्स लगें और बड़े बड़े जो ठेके हैं उनको रात में 1 घंटे एक्स्ट्रा खोलने की भी परमिशन मिले, रेस्टोरेंट में ड्रॉट बियर बिक सके और ड्राई डे के नंबर भी कम हो सके। मतलब साफ था कि दिल्ली का हर एक आदमी कह सके कि हमारी पौड़ी हो रही है। देखिए, देखने में तो ये नई पॉलिसी काफी सिंपल, बिजनेस फोकस्ड और ल्यूक्रेटिव लगती है, लेकिन एक मिनट, अगर ये पॉलिसी इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक थी तो गड़बड़ हुई कहां? एक्सप्लेन करता हूँ। वापस चलते हैं अपनी टाइमलाइन पे। याद है मैंने कहा था 17 नवंबर 2021 को न्यू लिकर पॉलिसी दिल्ली में इंप्लीमेंट हुई थी, तो बस इसी इंप्लीमेंटेशन के 8 महीने बाद यानी कि जुलाई 2022 में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी श्री नरेश कुमार जी ने एक रिपोर्ट बनाई और कहा कि इस नई वाली पॉलिसी में बहुत मेजर रूल वायलेशंस हो रहे हैं और लाइसेंस होल्डर्स को अनड्यू बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। और इसी रिपोर्ट के साथ एक चिंगारी भड़क चुकी थी, बस इंतजार था आग लगने का और हुआ भी एग्जैक्टली वही। इस रिपोर्ट आने के ठीक 2 हफ्ते बाद यानी कि 22 जुलाई 2022 को दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना जी ने इस पूरे मामले में सीबीआई प्रोब की डिमांड करी और इस डिमांड के सिर्फ 6 दिन बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी ने इस नई पॉलिसी को वापस कर लिया। लेकिन भैया, वापस होने से अब क्या होना था? आग तो लग चुकी थी, अब इसे फैलना था। तो मनीष सिसोदिया जी पर एक एक करके बहुत सारे एलिगेशंस लगे हैं। कुछ रिपोर्ट्स बाहर निकल के आई हैं और मैं आपको एक एक करके बताता हूं उनमें क्या लिखा है। पहली बात, ये रिपोर्ट्स क्लेम करती हैं कि आम आदमी पार्टी ने इस नई लिकर पॉलिसी के थ्रू कुछ इंडिविजुअल्स को फायदा पहुंचाया और उससे जो इन्हें फंड्स मिले उसे इन्होंने गोवा असेंबली पोल्स में इस्तेमाल किया। दूसरा एलिगेशन लगता है कि कुछ प्राइवेट लिकर वेंडर्स को कोविड लॉकडाउन के दौरान हुए नुकसान के चलते मनीष सिसोदिया जी ने बिना किसी की परमिशन के 144 करोड़ के लाइसेंस रिन्यूअल फीस को वेव ऑफ कर दिया था। अब कोई फी वेव ऑफ करना या सब्सिडी देना डायरेक्टली इलीगल काम नहीं है, लेकिन ऐसी हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है।
अगर लाइसेंस फी को वेव ऑफ करना ही था तो उसके पहले एलजी की परमिशन लेनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। इसी से काफी सिमिलर है थर्ड एलिगेशन जो इंपोर्ट पास फीस से रिलेटेड है। जब भी कोई लिकर बॉटल बाहर से इंपोर्ट की जाती है तो हर एक केस पर ₹50 का इंपोर्ट पास फीस लगता है। इसको भी मनीष सिसोदिया जी ने बिना किसी परमिशन के वेव ऑफ कर दिया था। चौथा एलिगेशन लगा एक बड़े स्पेसिफिक केस पर। दिल्ली एयरपोर्ट एरिया के अंदर लिकर वेंडिंग लाइसेंस लेने के लिए एक लोएस्ट बिडर ने 30 करोड़ रुपए की फीस जमा करी थी, लेकिन बाद में वो वहां से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC नहीं ला पाया और ऐसे में उसकी इस फीस को रिफंड कर दिया गया। लेकिन पॉलिसी में बात साफ साफ लिखी है कि लिकर लाइसेंस फीस नॉन रिफंडेबल है, तो ये वाला रिफंड कैसे हुआ ये भी अब सवालों के घेरे में है। तो इतने बड़े बड़े एक्विजिशन बिना किसी रीजन के तो नहीं लगेंगे, यानी कि यहाँ पर भी दाल में कुछ काला है। यहाँ पर भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिसेंट टाइम में आम आदमी पार्टी के बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो जेल जा चुके हैं। सबसे पहला नाम है दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन का। इनको मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पिछले साल ईडी ने अरेस्ट किया था और ये अभी भी जेल में है, और मनीष सिसोदिया जी के साथ इन्होंने भी अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया है। दूसरा नाम आता है दिल्ली के ओखला एरिया के MLA अमानतुल्ला खान का, जो कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे और इलीगल रिक्रूटमेंट और फाइनेंशियल मिस अप्रोप्रिएशन की वजह से ये भी जेल जा चुके हैं। तीसरा नाम आता है पंजाब के आप गवर्नमेंट के एक एक्स मिनिस्टर विजय सिंगला का। इन पर भी जब करप्शन के चार्जेस लगे थे तो पंजाब पुलिस ने इन्हें अरेस्ट किया था। चौथा नाम है आम आदमी पार्टी के एक प्रोमिनेंट लीडर सोमनाथ भारती जी का, जिन्हें एक डोमेस्टिक अब्यूज के केस के चलते जेल जाना पड़ा था। पांचवा नाम आता है ताहिर हुसैन का, जो कि आपके काउंसलर थे और दिल्ली दंगों के मामले में ये भी अरेस्ट हो चुके हैं। इनके अलावा गीता रावत, जसवंत सिंह, बलबीर सिंह, निशा सिंह, गोपाल इटालिया जैसे कई आम आदमी पार्टी के लीडर्स का नाम इस लिस्ट में आता है। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था, आप एक तरह से देखो तो आम आदमी पार्टी का जो पूरा सफर है वो काफी आयरॉनिक होता जा रहा है, क्योंकि जब इन्होंने अपनी पार्टी की जर्नी शुरू करी थी तो इनका मेन मोटो था एंटी करप्शन। इनके ज्यादातर लीडर्स भी इंडिया अगेंस्ट करप्शन जैसे मूवमेंट की वजह से ही पॉपुलर हुए थे। अरे इनकी पार्टी का सिंबल भी झाड़ू है, जिससे इनका प्रॉमिस था कि करप्शन को हम झाड़ू लगा के एकदम साफ कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अब इनके लोग ही साफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसमें रिसेंट नाम मनीष सिसोदिया जी का आता है। हालांकि उनपे एलिगेशन अभी प्रूव नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोसीजरल लैप्सेस और इररेगुलरिटीज तो अभी सबके सामने हैं। तो दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम को लेकर यही था हमारा वीडियो। आई होप कि आपको अब तक इसके बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट में लिख सकते हैं, और ऐसे ढेर सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।